आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 24 अगस्त को सी विजिल, 25 अगस्त को वोटर टर्नआउट और 26 अगस्त को इनकोर काउंटिंग मॉड्यूल के संबंध में आयोजित कार्यक्रम के संबंध में दिया गया प्रशिक्षण, मतदाता सूची की तैयारियों को पूरा रखने के दिए निर्देश। जिले में पुलिस और पब्लिक के बीच के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए प्रत्येक बुधवार को थानों पर लगेगा रात्रि चौपाल। पुलिस पहुंचेगी लोगों के द्वार, सुनेगी समस्याएं, करेगी समाधान, एसएसपी ने दी जानकारी। चार शातिर लुटेरों को खोराबार पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक मोबाइल, एक आधार कार्ड व घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल को किया बरामद, भेजा जेल। भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वावधान में आयोजित हुआ आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम, बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रभारी पंकज सिंह ने कहा, 2022 में फिर बनाएंगे प्रदेश में भाजपा सरकार। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति की बैठक, कहा शिक्षा के साथ साथ खेलों का भी है काफी महत्व, खेल में लड़कियों को भी आगे आने की है जरूरत। जिला अस्पताल सहित जनपद में 70 केंद्रों पर 18,978 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण, फर्स्ट डोज लेने वालों में 14,782 लोग और सेकेंड डोज लेने वालों में 4,196 लोग रहे शामिल, एडिशनल सीएमओ ने कहा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए करवाएं वैक्सीनेशन। गोरखपुर उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष अनिल टिबड़ेवाल का असामयिक हुआ निधन, व्यापारी बंधुओं में व्याप्त हुई शोक की लहर, उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार टेकड़ीवाल ने दी जानकारी। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर सीमा जागरण मंच की बहनों ने एसएसबी के जवानों को बांधी राखी, देश रक्षा का दिलाया संकल्प। गोरखपुर में मंगलवार को नहीं मिला कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,383, अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 9 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। 10 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुआ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पीजीटी लिखित परीक्षा, सुचिता के रहे व्यापक प्रबंध, परीक्षार्थियों ने कहा नहीं हुई कोई दिक्कत, पेपर था आसान। आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन के बैनर तले आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं ने किया प्रदर्शन, मानदेय बढ़ोतरी सहित बकाए भुगतान की मांग। गैंगस्टर एक्ट में वांछित दो अभियुक्तों को तिवारीपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर राजभर अनुसूचित जनजाति आरक्षण संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन, केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की मांग। और भाजपा महिला मोर्चा के क्षेत्रीय कमेटी के नव नियुक्त पदाधिकारियों के स्वागत समारोह का हुआ आयोजन, पदाधिकारियों को किया गया सम्मानित।